व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू द अनदर वीडियो सेशन। आज के वीडियो में जानेंगे कि हम लोग FSS पैक का यूज करते हैं, किस तरह से मैं डेटा को रीड कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ मैं। उसके लिए सबसे पहले क्या करूँगा, मैं मैनेज में जाऊँगा, आई नीड सम लिंक सर्विसेज, आई हैव टू क्रिएट अ लिंक सर्विसेज फॉर दिस स्टोरेज अकाउंट। न्यू पे क्लिक करूंगा मैं, यहाँ पे Azure Blob स्टोरेज में जाऊंगा। डेल टू स्टोरेज कर सकते हैं, ब्लॉब स्टोरेज भी कर सकते हैं, आपसे मर्जी है। मतलब ठीक है, स्टोरेज ये सब ठीक है। अकाउंट की है मैंने यहाँ पे सब्सक्रिप्शन चूज करूंगा, सब्सक्रिप्शन डाल दिया, अकाउंट की डाल दिया यहाँ पे, और मैं फिर इसको क्रिएट पे क्लिक कर दूंगा। मेरा एक लिंक सर्विसेज क्रिएट हो जाएगा। लिंक सर्विसेज के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया Azure Data Factory वाली सीरीज में, तो फॉलो नहीं किया तो वो फॉलो कर सकते हैं। ये हमारा Azure Blob Storage 1 नाम का लिंक सर्विस क्रिएट हो गया। ठीक है, चीज डालनी पड़ेगी आपको, देख सकते हैं। मैं इम्पोर्ट करूंगा FSS Asset, ये इम्पोर्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, PySpark के इम्पोर्ट कर रहा हूँ। फिर इम्पोर्ट में एक और चीज इम्पोर्ट करूंगा, अगर आपको पता होगा मैं पांडास को इम्पोर्ट करूंगा, इम्पोर्ट पांडास भी करूंगा। और फिर ADLS एक वेरिएबल डाला मैंने, ADLS अकाउंट नेम। अब वेरिएबल का नाम कुछ भी डाल सकते हैं, ADLS अकाउंट नेम, ये हमारा अकाउंट नेम होगा। ठीक है, अकाउंट नेम कहाँ से होगा, ठीक है, ऊपर अकाउंट नेम, स्टोरेज अकाउंट नेम होगा, ADLS इनटू जो भी है अकाउंट नेम। फिर SAS की डालनी पड़ेगी मुझे, SAS की डलेगी मेरे पास। ठीक है, SAS की कहाँ से आएगी मेरे को, मैं यहाँ पे कर दूँ टोकन लाइब्रेरी डॉट पे क्लिक करूंगा, ऑप्शन नहीं आ रहा है, कनेक्शन स्पेलिंग कर दी, गेट कनेक्शन स्ट्रिंग करूंगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे ये जो हमारा इश्यू सी है यहाँ पे, अभी मैं अगर लिंक सर्विसेज में जाऊँ, ये हमारा एज्योर ब्लॉग स्टोरेज ये वाला है ना, तो इसको मैं अगर क्लिक करूँ, ये नहीं नाम, हाँ ये नाम है, डेवलप टैब में वापस जाता हूँ, गेट कनेक्शन स्ट्रिंग में ये डालना पड़ेगा, और इसको मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, गेट कनेक्शन स्ट्रिंग में मैंने यहाँ पे या गेट कनेक्शन स्ट्रिंग में टोकन लाइब्रेरी डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग में मैंने यहाँ पे इस तरह से पास कर दिया। एफसेक डाटा नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा मैं, और इसको मैं रीड करने के लिए एफसेक होता है ना, एफसेक डॉट ओपन फंक्शन का यूज करूंगा, और यहाँ पे मैं फाइल पाथ डालूंगा। तो फाइल पाथ में कहाँ से मिलेगा, ऊपर मैंने यहाँ से डाल के रखा है, ये मैंने कॉपी कर दूंगा, .csv फाइल का नाम डाल दिया। उसके बाद मैं ये करूंगा, एक और पैरामीटर डालना पड़ता है, अकाउंट नेम, अकाउंट अंडरस्कोर नेम होगा, अकाउंट नेम के इक्वल टू होगा। इसके बाद एक और पैरामीटर डालना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, SAS टोकन, वो किसके इक्वल टू होगा, SAS की के ऊपर, ऊपर जो मैंने SAS की डाल के रखा है इसके इक्वल टू होगा, ये दे सकते हैं, SAS की के इक्वल टू यहाँ पे SAS टोकन के यहाँ पे SAS। अब ये तो हो गया इसको कनेक्शन बनाने के लिए। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट लाइन में जाऊँ, विथ एब्स्ट्रैक्ट डेटा डॉट ओपन फंक्शन है, ओपन फंक्शन में क्या करूँगा मैं, एज या फिर mb.mb कर सकता हूँ मैं यार, f की जगह पे मैं mb कर सकता हूँ, ठीक है mb कर देता हूँ मैं यहाँ पे। टैप डालना बहुत ज़रूरी है, डेटा फ्रेम क्रिएट करूँगा, डेटा फ्रेम किस तरह से क्रिएट करते हैं, पांडास डॉट रीड csv का ऑप्शन है, और इस पर अंदर मैं यह डालूंगा mb। बाय द वे, हमारे डेटा फ्रेम की, हमारे पाइथन की फाइल सारे सिस्टम की वीडियोज नहीं देखे तो ले सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए उस केस में, ठीक है, इस केस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बाय द वे, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर ही दे रहा हूँ मैं आपको, df करूँगा। अब मैं इसका रन करूँगा, अटैच नहीं किया मैंने यहाँ पे, बाय द वे एक मिनट, लिंक सर्विस किट कर देते हैं, और इसको मैं डालता हूँ Gentoo लिंक सर्विस, आई थिंक Gentoo वाला करता हूँ, थोड़े से अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ, और मैं इस क्रिएट पर क्लिक कर दे रहा हूँ, आई थिंक ये डाला लिंक सर्विस क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये हमारा डाटा लेक स्टोरेज वाला क्रिएट हो गया। क्या कर रहे थे हम लोग, फाइल अपलोड किया था कि नहीं किया था, फाइल अपलोड नहीं किया था, फाइल अपलोड कर लेंगे। फिर आज जो हम लोग बात कर रहे हैं FSS पैक का इस्तेमाल करके डेटा को देखने के लिए, या फिर डेटा को, फाइल को कुछ मॉडिफाई करने के लिए। बाय द वे, अगर आपने हम लोग वाले फाइल वाले सीरीज नहीं देखी है पाइथन में, तो पाइथन की वो फॉलो कर सकते हैं सीरीज को, जब तक ये वीडियो आ रहा है तब तक आ ही गया होगा, नहीं आया हो तो बाद में इंतजार करें थोड़ा। इनपुट नाम का एक फोल्डर बना रहा हूँ, इसमें एक फाइल अपलोड करूँगा, कोई भी फाइल अपलोड कर दे। व्हाट आई एम गोइंग टू डू हेयर, आई एम गोइंग टू अपलोड वन csv फाइल, ओके, हाँ डॉट csv फाइल, tvstar.csv फाइल को अपलोड करेंगे और अपलोड कर देंगे फाइल को, क्लिक ऑन अपलोड एंड इट विल गेट अपलोडेड। अब यहाँ पे लोड टू डाटा फ्रेम कर रहा हूँ नेक्स्ट न्यू करके, वी आर, ये सही है ना, मेरे को नोटबुक बना के देगा ऑब्वियसली, फिर मेरे को नोटबुक बनाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, दैट काइंड ऑफ स्टफ। यहाँ साइट पे जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल साइट है, बताना चाहता हूँ मैं आपको, इससे मैं कॉपी कोड कर रहा हूँ, क्या कर रहा है ये, इम्पोर्ट एफसेक कर रहा है, इम्पोर्ट पांडास कर रहा है, ठीक है, ये जो चीजें कर रहा है ये इम्पोर्ट, ठीक है। आ जाएंगे हमारे ये जो Gentoo का स्टोरेज का नाम है वो डाल दूंगा मैं यहाँ पे ADLS अकाउंट नेम में, और नीचे वाले में लिंक सर्विसेज का नाम डालना पड़ेगा, तो लिंक सर्विसेज का नाम डाल देंगे, सिंगल कोर्स में मेरे को डालना पड़ेगा तो मैं डाल दूंगा लिंक सर्विस का नाम। मैनेज में जाके लिंक सर्विसेज में जाके ये हमारा है, इस पर क्लिक करूंगा,
और फिर इसको यहाँ पे क्लिक करूंगा। ध्यान रखे अकाउंट किसे बनाया है मैंने, वो जो भी बनाया है मतलब लिंक सर्विसेज, किसी और से ना बना दीजिए फिर फंस जाएंगे, फिर हो चल रहा है काम नहीं कर रहा है आपका, मेरा काम कर रहा है आपका काम नहीं कर रहा है ना, ठीक है तो फिर प्रॉब्लम होगी। ये हो गया, और ये एफसेक हैंडल वाला ना, इसका पाथ आप देख लीजिए, आपको कंटेनर का नाम डालना है, फिर पाथ ऑफ द फाइल डालना, मतलब कुछ फोल्डर है तो फोल्डर का नाम भी डाल दीजिए आप, ठीक है। उस तरह से हो जाएगा आपका, ऊपर से फाइल पाथ कॉपी कर रहा, पर ध्यान रखे क्या ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना पड़ेगा कि गलती ना हो जाए, गलती से कुछ और ना पेश कर दे, ठीक है। और मेरे ख्याल से मैंने गलती कर दी यहाँ पे, cp@, मैंने अकाउंट का नाम भी दे दिया windows.net, इसको हटाना पड़ेगा, सिर्फ मी cp डालना पड़ेगा क्योंकि वो हमारा कंटेनर का नाम है, ये मैंने गलती कर दी, इसको मैं फिक्स कर दूंगा, एरर भी आएगा देखना। नहीं यार मैं कोडिंग की जरूरत, मैं एडिटिंग की जरूरत से चेंज कर दूंगा, एडिटिंग की जरूरत से इसको करते हैं कमेंट आउट, इसको कमेंट आउट कर देते हैं फटाक से, और फिर क्या करूंगा ये देखते हैं, ये देखते हैं ना यहाँ पे, इसको बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्या किया इसने, सैस वाला वो देख सकते हैं यहाँ पे, अब कोड आप पढ़ सकते हैं, ऑलरेडी मैंने शायद कोड को बताया है आपको यहाँ पे ऊपर, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है ना, कि एक्सप्लेन करूँ मैं, वो fsec.open फंक्शन का यूज़ किया, वहाँ पाथ डाला है, फिर विथ फंक्शन का इस्तेमाल करके ओपन एज एफ किया, df pandas.read csv, और उसके अंदर जो एफ नाम का मैंने वेरिएबल डाला है उसको मैं वहाँ पे पास कर दूंगा। इस तरह से मैं डेटा को रीड कर सकता हूँ, और फिर मैं डिस्प्ले df करके मैं उसको प्रिंट कर सकता हूँ, ठीक है, ये करने का तरीका है। नीचे राइट का दिया, राइट का भी करेंगे इसी वाले वीडियो में, ठीक है, इस नाम का चेंज कर दूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे मैंने गलती कर दी है तो मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा, सीपी को हटा के ये हटा के बस सिर्फ कंटेनर का नाम डालूंगा और मैं इसको रन करूंगा। देखिए एरर दिखा रहा था मेरे पर, कोडिंग की जगह से मैंने चेंज कर दिया, डिस्प्ले df करना भूल गया मैं, तो डिस्प्ले df करना पड़ेगा, मैं ऊपर जाऊंगा डिस्प्ले df कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है। बाय द वे कमांड सही से एक्सिक्यूट हो गया, मैं चाहूँ तो नेक्स्ट लाइन पे कोड डाल के डिस्प्ले df भी कर सकता हूँ, पर कर सकते हैं, ठीक है, पर आप मैं इसलिए नहीं कर रहा था कि आप ऊपर देख रहे होंगे कि df रखा हुआ पहला अवेलेबल, उससे तो नहीं आ रहा, उससे नहीं आएगा df, जो आप फिर से अगर df डालेंगे ना तो वो df को ओवरराइट कर देगा वो पुराने वाले df में, एक चीज ये ध्यान में रखना पड़ता है आपका, इंपॉर्टेंट है। थोड़ा रन हो रहा है, कुछ दिखा रहा है, एक्सेप्शन दिखा रहा है, एक्सेप्शन एक्सेप्टेड एज स्ट्रिंग और बाइट टाइप्स गॉट इन 64000 काइंड ऑफ कन्वर्जन, वो कर देगा चीजों में, सही है ना, कभी कभी कुछ ऐसी चीजें कर देते हैं ना बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, जैसे एंटिटी फ्रेमवर्क को, एंटिटी फ्रेमवर्क यार आईडी, मैंने आईडी अपने आप चेंज कर देगा, पता है उसको ये आईडी में नई आईडी आने वाली तो उसको चेंज करके दे देगा, दैट्स द थिंग। बट माइक्रोसॉफ्ट में कुछ बग्स भी होते हैं, बग्स है तो अच्छाइयाँ हैं तो बुराइयाँ भी होती है। यहाँ पे कंटेनर नाम बताया, फिर मैंने फोल्डर नाम, फिर अगर है तो फोल्डर नाम, नहीं तो फिर मैं फाइल नेम डायरेक्ट डाल दूंगा, फिर फाइल नेम जो भी है पड़ा ऊपर, मैंने कंटेनर नाम वो दिखाना चाहता हूँ, पर ये लोड हो रहा है, कुछ एरर थी, लोडिंग का कुछ ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो मैं यहाँ पे मिस सीपी आ जाएगा कंटेनर नेम, ये हमारा फोल्डर नेम था, इनपुट कहाँ पे फाइल है उसके अंदर, उसके अंदर आपको कोई सब फोल्डर है तो उसका भी नाम डालना पड़ेगा आपको, आप इस तरह से डेटा आ जाएगा डिस्प्ले डीएफ को, ठीक है। अब मैं राइट करना चाहता हूँ, राइट करने के लिए मुझे एक फाइल क्रिएट करना है, ठीक है, जैसे पाइथन में होता है अगर फाइल नहीं है तो फाइल क्रिएट हो जाएगा, अगर फाइल है तो ओवरराइट हो जाएगा, तो उस हिसाब से देख सकते हैं आप, उसी वही चीज़ होगा, पाइथन का कोड है तो पाइथन ही यूज़ करता है, और पाइथन मतलब पाइथन मिक्सड ऑफ पाइथन काइंड ऑफ स्टफ, ठीक है। तो इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ पहले, और फिर यहाँ पे जो एडिटर अकाउंट का नाम है वो मैं डाल दूंगा यहाँ पे स्टोरेज अकाउंट के नाम पे, और एक मैं डाटा फ्रेम बना रहा हूँ, ये हार्ड कोडेड डाटा फ्रेम है, रियल टाइम सिनेरियो में हो सकता है आपका पाइपलाइन से आए, वो आप देख लीजिए किस तरह से आ रहा है आपका, पाइपलाइन से ही आएगा मेरे ख्याल से, और यहाँ पे, और ये यहाँ पे मैं जो डाटा लेक स्टोरेज मतलब जेंटू स्टोरेज लिंक सर्विस बनाया उसको यहाँ पे लिंक सर्विस में पास कर दूंगा। ऊपर एरर दिखा रहा है क्योंकि नीचे वाला अगर बड़ा है ना, तो यहाँ ऊपर सही हो गया, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे पाथ ऑफ फाइल डालूंगा, तो मैं अगर सेम पाथ डालूंगा तो जो एग्जिस्टिंग फाइल है वो ओवरराइट हो जाएगी क्योंकि ऑलरेडी फाइल पड़ी हुई, डेटा ओवरराइट हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, एक नया फाइल बना सकते हैं या फिर कुछ अलग कंटेनर बना दे जहाँ पे फाइल नहीं है, तो फिर उस हिसाब से वहाँ पे एक फाइल क्रिएट हो जाएगी कि फाइल नहीं है, अगर ऑलरेडी फाइल है तो उसको ओवरराइट कर देगा, वो चीज़ ध्यान में रख के। यहाँ पे मैंने मोड डाल के रखा है एक wt मोड, ये मोड क्या है, राइट करने के लिए है, ये क्या, सब कुछ हम लोगों ने कवर किया है पाइथन वाली सीरीज में, तो वो सीरीज वो वीडियो जरूर फॉलो करें, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, मैं आपको पेज का लिंक डालूंगा, वहाँ पे आप सर्च कर ले, वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो और भी चीज़ें सीखनी होगी पाइथन में तो ऑब्वियसली आप सीख सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। बाय द वे wt मतलब वो राइट करने के लिए काम आता है, ये चीज़ बता देता हूँ मैं थोड़ा, यहाँ इस वीडियो में बना देता हूँ, एक सेकंड बताने का लगेगा तो बता देता हूँ इस वीडियो में भी। यार बहुत लोग क्या करते हैं, आपको बोलते हैं सिर्फ जाकर देख लीजिए,
मैं वही बोल रहा हूँ, देख लीजिए, पर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिया हूँ मैं क्या कोड लिख रहा हूँ। मैं डब्ल्यू टी राइट करने के लिए काम आता है, ठीक है। और भी मोड होते हैं, रीड करने के लिए मोड होता है कुछ, और राइट, और भी डीट लाइन मिल, बहुत कुछ है यार, सीरियसली सब कुछ हम लोगों ने कवर किया पाइथन वाली सीरीज में। दो जगह ही देखो, नीचे आएंगे, नीचे में यहाँ पे, यहाँ पे आउटपुट कर देता हूँ, और एक कुछ डेटा फ्रेम का नाम भी चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, कुछ डेटा फ्रेम डेटा चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, कुछ रामू वामू डाल देता हूँ, व्हाट्सएप रामू डाल दूँ। ओके ओके, एक काम करता हूँ मैं, इसको रामू डालने डाला क्या मैंने, रामू का ओके मैंने बाद में डाला है, माय बैड, मैंने यहाँ पे रामू नहीं डाला है, रामू बाद में डाला है मेरे ख्याल से यार, रामू को मैंने बाद में डाला था, मैंने याद, मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं रामू फिर से डाल देता हूँ, ऐसा कुछ है नहीं, रामू डाल के भी दिखा देता हूँ, कमेंट करें रामू का डाल लूँ कि रामू डाल लूँ मैं। बाय द वे ये चीज़ है यहाँ पे ओपन करके, मैं यहाँ पे एडीएलएस अकाउंट का ही डाल सकता हूँ, ठीक है। एडीएलएस अकाउंट नेम करके सैस टोकन डाल के मैं कर सकता हूँ, सैस टोकन डाला और यहाँ पे सैस टोकन डाला है मैंने, ठीक है ना, एडीएलएस अकाउंट नेम, ठीक है, और सैस की डाल के रखी है मैंने, एक सैस टोकन में सैस की पास की है। अगर मैं चाहूँ अकाउंट की से भी खेल सकता हूँ यार, ये अकाउंट की वाले में मैंने शायद रामू का डाला था। यू हैव टू गो टू द एक्सेस की और नीचे आइए, शो आएगा, फिर उसको कॉपी करने का ऑप्शन आएगा, तो मैं कॉपी कर लूँगा की को और अकाउंट की में डालूंगा, यहाँ पे पास कर दूंगा। इस नाउ आई डोंट नीड दैट सैस की, तो सैस की को मेरे को ज़रूरत नहीं है, तो मैं डायरेक्टली अकाउंट की के साथ खेल रहा हूँ, मुझे लिंक सर्विसेज की ज़रूरत नहीं है। तो मैं सैस की को कमेंट आउट कर सकते हैं आप, क्योंकि सैस की ज़रूरत नहीं है ना, हम लोगों का अकाउंट के साथ खेलेंगे। इधर आएंगे, यहाँ पे सैस की जगह पे मैं अकाउंट की डाल दूंगा, इसको मैं ADLS अकाउंट की कर देता हूँ, आप चाहें तो सेम रख के दे सकते हैं, शायद गड़बड़ ना आए, मेरे ख्याल से गड़बड़ नहीं आएगी, फिर भी मैं यहाँ पे ADLS अकाउंट की डाल देता हूँ। वेरिएबल नेम अपने हिसाब से डाले यार, सीरियसली वो आप पे डिपेंड करता है, पर मीनिंगफुल वेरिएबल नेम होना चाहिए। इसको मैंने शायद रन कर दिया है, ठीक है, और मैंने रन किया है मेरे ख्याल से, अभी रन किया है क्या, पता नहीं कब रन किया मेरे ख्याल से, हाँ मैंने रन किया मेरे ख्याल से, नहीं अभी रन कर रहा हूँ मेरे ख्याल से, अभी रन किया कि नहीं, रन ही नहीं किया है मैंने, रामू 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 डाल देते हैं फिर रन करते हैं, रामू अभी डाला था मैंने, मुझे याद है, ठीक है, मैं भूल गया था, रामू यहाँ पे डाल दिया मैंने। अब मैं इसको जाके रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, मोर में जाकर थोड़ा रिफ्रेश ऑप्शन है, अब मैं रिफ्रेश करूंगा अगर डेटा को, आप देख सकते हैं, यहाँ पे जाऊंगा प्रीव्यू में जाऊंगा, इस तरह से मैं एफसेक का यूज कर सकता हूँ, और विदाउट अकाउंट की या फिर विथ लिंक सर्विसेज या फिर विथ अकाउंट की, दैट काइंड ऑफ स्टफ आई कैन फॉलो हेयर, टोकन की लाइब्रेरी जो भी इस्तेमाल करके। बाकी इस वीडियो में इतना ही था, इस वीडियो में जाना किस तरह से राइट कर सकता हूँ, रीड कर सकता हूँ यूजिंग एफसेक। आई विल मीट यू इन सम अदर वीडियो, टिल देन बाय एंड टेक केयर।